एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी एकदम ठीक ठाक से होंगे और मैं भी एकदम ठीक ठाक से हूँ। और अभी जस्ट मैंने एक मेकअप वीडियो फिनिश किया है, तो मे बी जाएगा आप लोगों के मतलब आप लोग को चैनल में देखने को मिलेगा वो वीडियो। तो अभी आज का जो टॉपिक है, मैं इस पर वीडियो बिल्कुल भी बनाने वाली नहीं थी, बट मुझे इस पर वीडियो बनानी पड़ी क्योंकि ये क्वेश्चन अगेन एंड अगेन मेरे कमेंट सेक्शन में रिपीट हो रहा था। मैंने ये सोचा नहीं था कि मुझे इसके लिए एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। जब से मैं प्राची से मिली हूँ, जब से आप लोगों ने उसको मेरे साथ देखा है, तब से मुझे ये क्वेश्चन बार बार मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या प्राची आपकी सगी बहन है, प्राची से आपका क्या रिश्ता है, आप उनकी कौन लगती हैं, कैसा रिलेशनशिप है आपका उनके साथ। तो मैंने कई बार कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों के क्वेश्चन का ये रिप्लाई भी किया है, तो वो लोग जान रहे होंगे। बट आपकी भी कोई गलती नहीं है क्योंकि हमसे अक्सर हर मंथ हर डे वाइज अलग अलग लोग नए लोग जुड़ते हैं और उन्होंने पिछली वीडियो जो है वो नहीं वॉच करी होती है, तो उन्हें एक्चुअल चीजें नहीं पता होती हैं, तो इसलिए उनका उसमें कोई दोष नहीं होता है। तो चलिए, मैंने सोचा ये क्वेश्चन बार बार आएगा तो इसलिए मैं इस पर एक वीडियो बना देती हूँ। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बताऊंगी क्योंकि मैं जो हूँ, मेरा जो मायका है प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से है, जैसा कि आप लोग जान ही रहे होंगे, कुछ लोग जान रहे होंगे कुछ लोग नहीं जान रहे होंगे, तो मैं बता देती हूँ उनको भी कि मैं प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। और मेरा जो ननिहाल है वो बांदा है, और बांदा में मेरा ननिहाल है, काफ़ी दूर है, प्रतापगढ़ और बांदा की डिस्टेंस काफ़ी है, बट मेरा ननिहाल बांदा ही पड़ता है। और मेरी फैमिली में, मतलब मेरी जो ननिहाल वाली फैमिली है, वहाँ मेरे सात मामा हैं, सेवन मामा आज के टाइम पर पता नहीं किसी के होंगे कि नहीं होंगे, बट मेरे हैं। और मुझे खुशी भी बहुत लगती है क्योंकि मेरे साथ साथ मामा हैं और मेरी दो मौसियां हैं और मेरी मम्मी को लेकर के वो लोग तीन बहनें हैं। तो प्राची जो है वो मेरे सबसे बड़े मामा से छोटे जो मामा हैं, यानी मेरे सेकंड नंबर वाले जो मामा जी हैं, उनकी बेटी है प्राची और मैं उसकी सबसे बड़ी बुआ की बेटी हूँ। लेकिन हम लोगों में जो रिश्ता है वो कुछ मतलब ऐसा है कि सगी बहनों से भी ज़्यादा है, अच्छा रिलेशनशिप है। हालांकि ना मेरी कोई सगी बहन है ना प्राची की कोई सगी बहन है, और हमारे जितने भी मामा की बेटियां हैं उन सभी के साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, फैमिली मतलब कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। इवन इतनी अच्छी कनेक्टिविटी है कि अगर हम लोगों के बीच में दो तीन दिनों तक या चार पांच दिनों तक बात नहीं होती तो लगता है यार कॉल क्यों नहीं आई है, तो हम दोनों एक दूसरे को कॉल कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ हम लोगों में रिलेशनशिप है और हम दोनों ने एक दूसरे की शादी में बहुत इंजॉय किया है। और आप लोगों में से जिसने भी प्राची को शुरू से फॉलो किया होगा उसकी वीडियोज में मुझे ज़रूर देखा होगा, जो भी उसने शादी के वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं उसमें उन्होंने मुझे ज़रूर देखा होगा। और जो मैंने भी शादी के एल्बम, मेहंदी फंक्शन, एंगेजमेंट फंक्शन के वीडियोस आपके साथ शेयर करे हैं उसमें आप लोगों ने मेरे साथ प्राची को ज़रूर देखा होगा। तो बहुत अच्छा था रिलेशनशिप और है, आज भी है वैसा ही, बट हाँ ये है कि पहले बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी थी क्योंकि दोनों अनमैरिड थे तो हम लोगों के पास फ्री टाइम रहता था, बट अब थोड़ा सा मैरिड हो जाने के बाद समझ सकते हो ना, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ससुराल से लेकर के मायके तक इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि आपस में हम लोगों को बहुत कम टाइम मिल पाता है एक दूसरे को कॉल करने को, एक दूसरे से बातें करने को। और ऐसा ही होता है बहनों का रिलेशनशिप, हम लोग शादी के पहले एक दूसरे के साथ एकदम फ्री होकर के बातें करते हैं, फ्री होकर के लाइफ जीते हैं, बट शादी के बाद सभी की लाइफ चेंज हो जाती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये है कि कुछ भी कितना भी क्यों ना सब चीजें बदल जाएं, लेकिन आपको अपने रिश्ते नहीं भूलने चाहिए जो कि आज तक हम लोग नहीं भूले हैं। आपस में हम लोग बहुत मतलब कनेक्ट अभी भी उतना ही फील करते हैं, दूर भले रहें बातें भले कम हों, तो यही सारी चीजें हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि
जब से मैं उसके साथ आप लोगों ने मुझे देखा है, मुझे मतलब प्राची के साथ आपने उसके वीडियोस में जब से मुझसे मिली हूं मैं उससे, आप लोगों ने मुझे वॉच किया है, आप लोगों ने भी भर भर के मुझे प्यार दिया है, सपोर्ट दिया है, तो उसके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार किया, आपने उसकी बहन के तौर पर के मुझे बहुत चाहा है। और बहुत सारे लोगों ने मुझे एक ही कमेंट बहुत बार किया है कि आप प्राची जैसी लगती भी हो। और कुछ लोग जो मुझे प्राची से मिलने से पहले देख रहे थे वीडियोस में, उन लोगों ने भी जब मुझे उसके साथ देखा तो बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया कि मतलब हम लोग इतने दिनों से गेस कर रहे थे कि आपका कुछ उनसे रिश्ता है क्योंकि आपका फेस काफी मिलता है। तो फैमिली में, जब फैमिली में बुआ के बच्चे, मामा के बच्चे एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं, उनका फेस है, उनकी बातें हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड होती ही हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं है। तो ऐसा ही है हम लोगों का रिश्ता, मेरा और प्राची का। और सभी भाई बहन, हमें जिंदगी में बहुत चीजें होती, सिर्फ सगा ही सब कुछ नहीं होता है। सगे तो खैर, सगी तो मेरी कोई बहन है भी नहीं है, तो मुझे पता ही नहीं कि सगी और मामा की बहनों में और बुआ की लड़कियों में कैसा रिश्ता होता है। मेरे लिए तो जो है वो यही लोग सगे हैं, यही लोग मेरी सगी बहनें हैं, तो ऐसा ही होता है। और फीलिंग ही नहीं आई कभी अपना और परायेपन की। तो चलिए, ये चीजें थी मेरी लाइफ की। और एक बात आपसे और करनी थी कि मुझे थोड़ा सा आप लोग मतलब कभी कभी क्या होता है, कुछ वीडियोस में आप लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, बहुत अच्छा लगता है, उनका रिप्लाई करना बहुत अच्छा लगता है। कुछ निगेटिव कमेंट्स भी बहुत आते हैं, तो आप लोगों से एक मैं बात बोलना चाहूंगी कि निगेटिव कमेंट की जगह अगर आप लोग सजेशन देंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि सजेशन से हमें भी थोड़ा सा गाइडेंस मिलता है कि हम आपके लिए कैसी वीडियोस लेकर के आए, कैसी वीडियोस आप पसंद कर रहे हो। तो प्लीज आप लोग सजेस्ट करिए, ये मेरे लिए बहुत ही मतलब हेल्पफुल रहेगा। और मेरे भी, जैसा कि आप लोग मेरे स्टार्टिंग से वीडियोस देख रहे हो, मेरे दो बच्चे हैं, और मैं ऑनेस्टली बोलूं तो मैं अपनी फैमिली को भी मुझे पूरा टाइम देना होता है, यूट्यूब को भी पूरा टाइम देना होता है, आप लोगों से भी मुझे पूरी तरह से कनेक्ट रहना पड़ता है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बट मैं अपना बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोग भी थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, मुझे भी जो जहां मेरी कमियां हो, जहां मेरी मुझे कहीं आपको ऐसा लगता हो कि हाँ यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे ये चीज सही नहीं है, तो आप लोग सजेस्ट जरूर करिए। क्योंकि पुराने जमाने में एक कहावत होती है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन के निर्मल करे स्वभाव। तो मुझे निगेटिविटी से भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग निगेटिव कमेंट से भी मुझे आइडिया मिलता है कि हाँ हमें अपने आप पता चलता है कि हमारी कमियां कहाँ हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप सजेशन देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा निगेटिव कमेंट की जगह, क्योंकि वो थोड़े से पढ़ने में अच्छे नहीं लगते हैं और उससे ना इंसान डिमोरलाइज होता है। तो प्लीज यार ट्राई करिए कि आप लोग निगेटिव कमेंट ना करें, पॉजिटिव कमेंट करें। और यही था, यही सारी बातें मुझे आपसे करनी थी। तो चलिए, आई होप आप लोगों के जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे और हमारा रिश्ता भी आप लोगों को पता चल चुका होगा। और आगे अभी शादी होगी, हमारे भाई की शादी है दिसंबर में, तो मुलाकात होगी हमारी, तो आपको और चीजें भी क्लियर होंगी हमारे रिलेशनशिप के बारे में, अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं। हाँ, एक बार मुझे एक कमेंट में आया, क्वेश्चन आया था कि मतलब आप अपने आप को कहती हो कि आप प्राची की बहन हो, बट आपके वीडियोस और प्राची के वीडियोस बिल्कुल अलग होते हैं। तो यार, आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको अपने वीडियो में ही वो भी बता चुकी है कि मेरी बुआ जी की बेटी है, और मैं भी बता चुकी हूँ कि मैं उनके मामा की बेटी हूँ। तो आपको ये चीजें पता चल चुकी हैं, तो उसके बाद भी आप ये लोग बोल रहे हो, तो मतलब जान ही रहे हो कि मेरा ननिहाल उसका मायका, तो डेफिनेटली चेंज होगा। मेरा मायका दूसरा है, उसका मायका दूसरा है। मैं जब अपने ननिहाल जाऊंगी और वो जब अपने मायके जाएगी, तब हमारे वीडियो सेम होंगे।
तब हमारे जो वीडियो का जो पिक्चर आपको जो आप देखना चाहते हो वो आपको दिखेगा। जब मैं अपने घर में हूँ, अपने मायके में हूँ, तो आपको कहाँ से देखने को मिलेगा। तो इस वजह से हमारे जो मायके के वीडियोस थे वो डिफरेंट थे। तो चलिए, होपफुली आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा फॉर मोर वीडियो नोटिफिकेशन। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।